नहीं, हम लोग का तो नियम है, दो सेंक्शन पोस्ट है डीजी का और दो उसके परसेंट के हिसाब से अतिरिक्त रख सकते हैं, तो जब खाली होगा तो उसमें जिनको जिनको वरिष्ठता क्रम या जो है उसके अनुसार पोस्टिंग की जाएगी। मुंगेली जेल ब्रेक के विषय में उन्होंने दंडाधिकारी जांच में क्या बिंदु थे उनकी बात उन्होंने पूछा, डिटेल जानकारी हम लोगों ने दे दिया है मैंने कि जो लोग फरार हुए थे किस कारण फरार हुए, कैसे फरार हुए, और उसमें तीन पकड़ा भी गए हैं, एक की पतासाजी जारी है, तो सारे बिंदु की जानकारी लिखित में माननीय सदस्य को और विधानसभा को दे दिए थे, कोई बहुत उसमें एक्स्ट्रा जानकारी की आवश्यकता नहीं। आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर गड्ढे होने की जानकारी, आप लोगों ने तैयारी की है, 15 जगह पर भरे भी जाएंगे, विधानसभा में क्या मामला उठाया? नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि तीन प्रकार के काम हम लोग करते हैं, एक गड्ढा भराई जो शब्द है वो जनरल पूरे प्रदेश में होता है, जहाँ जहाँ गड्ढे रहते हैं जिसके कारण गाड़ी चलने में आसानी नहीं होती तो उसको भरते हैं, एक गड्ढा भराई एक मरम्मत वाला काम होता है जैसे बीटी से रिन्यूअल करते हैं इस टाइप से, तो गड्ढा भराई का काम का टारगेट है एजेंसियां तय होकर दशहरा के बाद से शुरू हो गया और 15 दिसंबर का टारगेट दिए हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है पूरे प्रदेश के लिए। मरम्मत के लिए भी जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा हुआ है, सभी से मांगा है, मैं पिछले सत्र में सभी 90 विधायकों को सूची दिया था कि बजट में कौन कौन सा चीज़ शामिल है और इसके अलावा मरम्मत लिए उन्होंने दिया है, इस्टीमेट तैयार कर करके आ रहा है, हम स्वीकृत तत्काल करके भेज रहे हैं, टेंडर लग रहा है, काम शुरू करेंगे, तो उसमें कहीं कुछ बात नहीं है, जहाँ जहाँ आ रहा है। इतना ज़रूर है कि सर्वाधिक सड़कें खराब हैं, लेकिन अब उसको 9 महीने या 11 महीने में एकदम से दुरुस्त नहीं किया जा सकता, पर मैं खुद इसलिए जा रहा हूँ बाई रोड 16-17 जिला कर चुका हूँ, बाकी ज़िले बचे हैं उसको सत्र के बाद फिर से करूँगा, ताकि मैं खुद देख लूँ और विधानसभा में जो प्रश्न आता है उसके नज़रिए से भी दौरा करता हूँ ताकि उसको देख लूँ और क्या किया जा सके। सर एक डीजी का पोस्ट अभी रोड वाले भैया, एक तो अजय चंद्रा का जानकारी बोले आज विधानसभा में सदस्यों के द्वारा माननीय अजय चंद्राकर जी को धमकी दिए जाने के विषय में चर्चा प्रारंभ किया गया। कल रात में माननीय अजय चंद्राकर जी ने मुझे भी फ़ोन किया, डीजी को भी फ़ोन किया, माननीय अध्यक्ष विधानसभा को भी फ़ोन करके जानकारी दी कि कोई व्यक्ति है जो फ़ोन नंबर उसने टेप लिख लिया है और बार बार फ़ोन करता है, गाली गलौज कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है। तत्काल मैंने डीजी को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि अधिकारी लगाइए क्राइम को, इंटेलिजेंस को, और तत्काल उसको पकड़ने की कार्यवाही करें और इधर माननीय अजय चंद्राकर जी के सुरक्षा की और अतिरिक्त व्यवस्था करें। तत्काल उनको सुरक्षा मुहैया करा दिया गया था, अतिरिक्त PSO, और काल को ट्रेस करके उस आदमी को पकड़ लिया गया था, भिलाई का है कोई रंधावा, और थाने में रात में ही उसको बिठा लिया गया था। 151 के तहत आज उसको कोर्ट में पेश करने वाले थे, पर माननीय विधायक जी ने डीजी से कहा कि मैं कोई FIR नहीं करना चाहता और उसको कोई कार्यवाही नहीं चाहता, इसलिए अभी चालान न्यायालय में उसको पेश नहीं किया गया है। पर आज विधानसभा में बात आने के बाद और नहीं भी आता तो भी, चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और वो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, उनको किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज, तो उस पर कार्यवाही सुनिश्चित होगी, चाहे विधायक जी FIR करें न करें, लेकिन उस पर हम कार्यवाही करेंगे। इसलिए DG को निर्देश दिया गया है कि फ़ोन में सुन लें कि वो क्या क्या बात कहा है और उसके अनुसार कार्यवाही करें। उनने अपने वक्तव्य में कहा है कि वो कुरुक्षेत्र के आसपास कहीं रेत खदान का काम करता है और कुछ लोगों ने उनसे विवाद हुआ है, गांव वालों ने नंबर दिया है कि अजय चंद्राकर जी के PA का है, उनसे बात करें, तो उस नंबर पे उनने बात किया, ये बात सामने आई है,
थाने में जो उन्होंने बयान दिया है, पर अब उसको कार डिटेल निकाल करके फिर उसके बाद क्या धारा लगाया जा सकता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है, करेंगे। सर, एक जेल ब्रेक का भी मामला उठा है।